तो भैया आ गए सभी लोग। चलो फिर लेके चलते हैं आपको पीजे दिव्यास लाइफ में। तो गाइज आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर शादी के बाद। वैसे मैं तो पहले गया हूँ, दिव्या नहीं गई अभी तक, तो दिव्या के लिए फर्स्ट टाइम है। तो एक्साइटेड हो दिव्या? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और है ना, तुमने अपने कपड़े पूरे फैला दिए पीछे, इसको सही करो पहले। देखो ये कोई बात होती है यार, ये तो पत्नी धर्म होता है। मतलब है ना, सारे कुर्ते फैला दी, मैं बहुत पागल हो गई कपड़े ठीक कर करके। तो करना पड़ेगा आप तो, ये शादी की है भैया, करना पड़ेगा। खुद रखो अपने कपड़े, ऐसा बोल बोल के खुद काम करती रहती है। देखो ये अभी मैंने 3-4 कुर्ते ट्राई किए। पहले मैंने इससे पूछा तू कौन से कलर की साड़ी पहन रही है, तो फिर उस हिसाब से मैं मैचिंग करूं। फिर उसने बोला मैं रेड पहन रही हूँ, तो फिर मैंने ये पहन लिया। तो बताओ कैसा लग रहा हो? थोड़ी देर में दिव्या रेडी हो जाएगी, उसके बाद हम निकलेंगे ओमकारेश्वर के लिए। वो साड़ी पहनने में फिर परेशानी आ रही है। वेलकम। तो आप लोग ने जैसे बोला था कि साड़ी अच्छे से पहनो, तो ऐश्वर्या दीदी एकदम परफेक्ट साड़ी पहनाते, तो आज परफेक्ट साड़ी पहनी है। तो आप कोई वो मत निकालना नुक्स कि ये गलत है वो गलत है। हम लगा लेंगे थोड़ा सा डियो। लिपस्टिक पड़ोसन से लिया हूँ मैं जाके, नहीं। 1 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं और अब आ रही है। देखो ये चार लोग लगे हुए उसके पीछे, पापा मम्मी पड़ोस वाले, तब जाके उसकी साड़ी कंप्लीट हुई है। गाड़ी धीरे से, धीरे ही चलाता हूँ मैं गाड़ी। लड़कों की लाइफ में क्या चेंज आता है शादी के बाद? लड़कों की लाइफ में क्या चेंज आता है? कुछ भी चेंज नहीं आता है, 1% का भी। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ मैं ध्यान रखूंगा, मैं आगे कुछ भी चेंज नहीं आता है। हाँ अगर अरेंज मैरिज होगी तो आएगा चेंज थोड़ा। हाँ लव मैरिज में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। मेरी लाइफ में चेंज आया क्या बताओ? पहले कुर्ता नहीं पहनता था। ये तो क्यों नहीं पहनता था आप पहले? आपको भैया कुर्ता नहीं, कितनी बार कुर्ते में पहना है तुमने ये कुर्ता? चलो कुर्ता छोड़ के, कुर्ता जाओ यार बीच रोड पे बैठ जाओ। बीच रोड पे चेयर लगा के बैठ गए हैं लोग। इससे अच्छा गार्डन में जाओ, अंदर गार्डन है। बताओ चेंजेस, बताओ चेंजेस। पहला चेंजेस तो कुर्ते वाला। अरे ये कुर्ता पागल पागल हो गए, कुर्ता कोई चेंजेस होता है क्या? वो तो तुम कल तो तुमने जैकेट पहना था, टी शर्ट पहना था। दूसरा चेंजेस ये आया है कि कुछ नहीं आया है, इंसान को ही सोचना कि कुछ नहीं आया तो कुछ भी चेंजेस नहीं आता है। आना भी नहीं चाहिए, अगर चेंज आ जाए तो वो रिश्ते की। अगर क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो इतना चेंज नहीं आया, लेकिन अगर अरेंज मैरिज होती है जो पहली बार, अगर चेंजेस आ जाते हैं तो फिर बोलते हैं शादी के बाद बदल गया है। इनके दोनों तरफ एक चेंज जरूर आएगा। अभी मैं बोल देता ना कि चेंज आया तो बोल देते कि अच्छा है शादी के बाद चेंज हो गए, बट एक आया है कि पहले पीछे बोलता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अब बोलता है ये मेरी वाइफ है। ये चेंजेस आया है, वर्ड का चेंज आ गया। नहीं ये भी, ये तो मैं पहले से ही बोलता था, बोलते थे, लेकिन अभी ऑफिशियली बोलते हो। अभी तो हमारा वो बन जाएगा क्या, मैरिज सर्टिफिकेट है ना। चलो हम लोग निकल गए हैं ओमकारेश्वर के लिए, देखते हैं वहाँ पे दर्शन अच्छे से तो वैसे हो ही जाएंगे, लेकिन कितनी भीड़ होती है क्या होता है देखते हैं। गाड़ी चला लो यार, वो क्या आदमी नींद में है, क्या मजे। केडी भाई साहब कैसे हो? दिव्या दी, दिव्या दी। अरे पीजे और तुम दोनों मैचिंग हो रहे हो? अरे भाई साहब एक बात बताओ, इतनी कार में जगह है तो यहाँ काहे के लिए घुस रहे हो? अरे यार ये हमारा भाईचारा है, भाईचारा प्यार मोहब्बत है हमारी। घुसा के हम एक गाड़ी पूरी खाली है लेकिन हम लोग सब इसमें बैठे हैं क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। भाईचारा मोहब्बत, सब हम वैलेंटाइन भी सब साथ मनाने वाले हैं एक दूसरे के साथ। उल्टी हो रही होगी इनको वोमिट करने, तो इसमें चलते हैं। भाईचारा भाईचारा तो काफी फेमस है ये मंदिर शनि देव का, जहाँ पे अभी हम लोग दर्शन करने वाले हैं। अभी गाड़ी यहाँ साइड में लगाए पहले।
ओमकारेश्वर के गेट पे आ गए हैं। हम ओमकारेश्वर में आ चुके हैं और हम बोट से जा रहे हैं मंदिर। चल नहीं पाएगी, 1 किलोमीटर तक चलना। इसलिए नहीं क्योंकि इन लोग को बोट से जाना है, ये रीजन है चलने वाला। तो मैं तो ऐसे 2-3 किलोमीटर भी चल सकती हूँ। लेकिन बोट से जाने में मजा आएगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं मेनली। अगर आप भी कभी ओमकारेश्वर आओ, अगर आप चल सकते हो 1 किलोमीटर तो आप वहाँ से जा सकते हो। अगर अदरवाइज अगर आपको बोटिंग करनी है तो 100 रुपए का एक मेंबर का टिकट लगता है। यहाँ से आप सीधे बोटिंग करके मंदिर में दर्शन कर सकते हो। ओके, ये भैया हमें लेकर जा रहे हैं। देवा जी को डर लग रहा है। आगे बैठो, आगे। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। एकदम सही, एकदम सही। सही है, बहुत सही है। ये अभी दिव्य विहार के थ्रू ओमकारेश्वर के दर्शन कर रही है यहाँ पर। टेक्नोलॉजी, अगर ओमकारेश्वर में आओ आप कभी भी तो यहाँ पर जरूर आओ और यहाँ से आप सारे दर्शन कर सकते हो उज्जैन के, ओमकारेश्वर के सीधे भगवान को बिल्कुल टच कर सकते हो। सही एक्सपीरियंस है आपको। कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत फास्ट के दर्शन हो गए। बस मजा आ गया, मजा आ गया। बोलो महाकाल महाराज की जय। बोलिए ओमकारेश्वर महादेव की जय। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत दिल खुश हो गया, मजा आ गया। तो भैया अभी हम लोग बहुत थक गए, ब्रिज के यहाँ पे खड़े हैं, तो हम लोग अभी खा रहे पिंगर और ये गुजराती में इसको भोंगरा बोलते हैं, भोंगरा बटाटा खाते हैं। और आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं? कॉमन पोटैटो नहीं है इसमें, और वो पोटैटो में बहुत ही बुरी लगती है। ये अच्छा लगा नहीं, बट ये गुजरात का फेवरेट होता है, इसको भोंगरा बटाटा बोलते हैं। बटाटा तब बोलते जब उसमें पोटैटो होता है। भोंगरा भोंगरो घुंगरू घुंगरू घुंगरू। मैंने पीजे से पूछा कि तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आए शादी के बाद, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं, मेरी लाइफ में चेंजेस आए बहुत सारे। क्या? मैं पहले कुर्ता नहीं पहनता, कुर्ता तो पहले भी पहनते थे कुछ भी। अब ऐसे चेंजेस क्या है बताओ? अभी ये चेंजेस आए कि मैं पहले तुमसे इतना प्यार नहीं करता था, अब ज्यादा करता हूं। प्यार तो पहले भी करते थे, अभी भी करते हो? अब ज्यादा करता हूं। नहीं लेकिन बॉयज की लाइफ में ना कोई चेंज। क्या कैसे वीडियो बना रहा हूं मैं, कितनी गंदी दिख रही हूं, ऊपर करो। मैं बोल रही हूँ टेढ़ा कैमरा है। तो मैं बोल रही हूँ लड़कों की लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आता शादी के बाद, सारी लड़कियों की लाइफ में चेंजेस आता है। आपको क्या लगता है जल्दी कमेंट में बताओ, लड़कों की लाइफ में चेंजेस नहीं आते क्या? मेरी लाइफ में तो बहुत चेंजेस आए। सब आए, बहुत चेंजेस आए, क्यों नहीं आए? मैं एक वो रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ। अभी रात की 1 बज रही है, हम लोग बहुत लेट हो चुके थे, तो रस्ते का व्लॉग हम कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि बहुत खतरनाक रास्ता था, गार्ड था ऐसा ऐसा। तो घर पे फाइनली आ गए मेरे, हाँ सही में, और मेरे दोस्त लोग भी जो राजस्थान से आए थे वो लोग भी, मैंने उनको भी रात में घर पे रोक लिया। वो अभी जाने वाले थे लेकिन मैंने बोला नहीं यार रात का ट्रैवल मत करो, अभी आराम करो और फिर कल सुबह निकलना आप लोग। तो उनका अरेंजमेंट हमने हमारे गेस्ट रूम में कर दिया है। दिव्या देखो आने के बाद सीधे फ़ोन चला रही है। अभी देखो इसका तिलक भी अभी ढंग से उसने वो नहीं करा है, अभी चेहरा देखो उसका, और बस ये देखो फ़ोन चला रही है। जाओ सो जाओ, यहाँ पे तुम्हारा बेड रेडी है। आज तो देखो बेडशीट भी चेंज कर दी है फाइनली। हम तो कब से सोचते थे
बेडशीट चेंज करनी है, इतनी सारी बेडशीट आई, लेकिन हम इसलिए चेंज नहीं कर पाए क्योंकि ये जो हमारा बेड है ना वो बहुत डबल साइज से ही बड़ा साइज का है, तो मतलब वो नहीं आ पा रही थी, साइज में नहीं आ पा रही थी, इसलिए ये वाली आ गई। क्यों? तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सोते हैं, बहुत देर हो चुकी है, बहुत थक भी चुके हैं। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू।